हम लोग का आलिंग सब मिल जा रहा है। मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के सारे लोगों के लिए, मेरी तरफ से मुबारकबाद कि आपके लिए जो ये एसेट बन रहा है, बन चुका है, तो इसको हम आज एक्चुअली पहले ही इनॉग्रेट हुआ है। ऑनरेबल मिनिस्टर कुछ दिन पहले यहां आए थे तो उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। आज हम आपके साथ, यहां के बच्चों के साथ कुछ लम्हात गुजारने के लिए और उनको ऑल द बेस्ट कहने के लिए इस इंडोर स्टेडियम में स्पोर्ट्स का की शुरुआत करने के लिए, बिगनिंग करने के लिए आज हम आपके साथ आए हैं। और मैं बच्चों से यही गुजारिश करूंगा, आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये जो एसेट बन चुका है इसको आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लीजिए, इसकी पूरी यूटिलाइजेशन आप कर लीजिए। सर ये बताइए, इसमें हमने जो कंपटीशन टाइम रखा है ऑलरेडी आपके पास जो इंडोर स्टेडियम में ये बन चुका है, आपके सामने है, तो जो आउटडोर स्टेडियम है उसके साथ जो हॉस्टल फैसिलिटीज बन रहे हैं, पेविलियन बन रहा है, इसका जो हमने डेडलाइन रखी है वो है जून 2022 जून में आपके लिए आउटडोर स्टेडियम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर बिल्कुल इस काबिल होगा कि आप हर एक गेम वहां पे खेल सकें। तो जहां तक जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल का ताल्लुक है, इनफैक्ट वी वर्क ऑन मल्टीफैसेटेड एरियाज। इसमें यूथ एंगेजमेंट का जो हमारा कंपोनेंट है वो बड़ा है। जब हम यूथ एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए आज हम यहां आ रहे हैं, आपके साथ यूथ है, बच्चे हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ये जो मैसेज चली गई है हमने सारे लोगों को इन्वॉल्व किया है, आपकी मीडिया फैटलिटी है, आपसे हमने रिक्वेस्ट की है कि हम सब इकट्ठे मिलके यूथ को एंगेज करेंगे स्पोर्ट्स में। तो डेफिनेटली व्हेन यूथ विल गेट एंगेज्ड इन स्पोर्ट्स इट विल हैव इट्स इंपैक्ट ऑन द एकेडमिक ऑन देयर एकेडमिक्स एज वेल। तो कोई खास मैसेज यूथ तक ताकि वो इन चीजों में, यूथ के लिए मैं यही मैसेज दे दूंगा, अगर आप सपोर्ट स्पिरिट देख लेंगे, अगर आप सपोर्ट स्पिरिट देखेंगे तो सपोर्ट स्पिरिट आपको बताता है कि आपको अपनी जिंदगी में कैसे आगे फियरली जाना है। सपोर्ट्स आपको दिखाता है कि आपको कैसे कंपटीशन लेना है। सपोर्ट्स आपको सिखाता है कि आपका फेलियर कहीं पे नहीं है, आप आज नाकाम हो जाते हैं तो कल आपकी कामयाबी आगे डेफिनेटली आपके कदम चूमेगी।